हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एंटरटेनमेंट हब में। तो आज के 10 इम्पोर्टेंट हिंदी जीके। तो आज का हमारा है पहला क्वेश्चन, मुर्गा किसकी नस्ल है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी भैंस। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इसका आंसर है ऑप्शन डी भैंस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन ए देव धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म या ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए सेव धर्म। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी डीएलएफ ने, ऑप्शन सी सेबी ने या ऑप्शन डी अन्य। तो आपके पास सबसे 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी सेबी ने। तो आज का हमारा 4th क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे? ऑप्शन ए सी डी देशमुख, ऑप्शन बी सचिंद्र राय, ऑप्शन सी एस मुखर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आज का हमारा है 5वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय आवास बैंक NHB की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1987 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1989 में, ऑप्शन डी 1988 में। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने की। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1988। तो आज का हमारा 6th क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शक्य, ऑप्शन सी कुरु, ऑप्शन डी सात्रिका। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी शक्य। तो आज का हमारा है 7th क्वेश्चन, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी अमृतसर। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। आज का हमारा है 9वां क्वेश्चन, गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए संक्षेप में गहरी बात कहना, ऑप्शन बी छोटी बात को बहुत शब्दों में व्यक्त करना, ऑप्शन सी गगरी को सागर में डुबोना, ऑप्शन डी अपनी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए संक्षेप में गहरी बात क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है इसका लास्ट क्वेश्चन, प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 अप्रैल, ऑप्शन सी 21 जून या ऑप्शन डी 21 मई। तो आपके पास अभी 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए 21 मार्च। तो ये थे आज का हमारे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद को रैंक किया हुआ और कमेंट में बताया हुआ कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर करें, जिससे कि ऐसे यूजफुल कॉन्टेंट जब भी आते
तो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच रहा है। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।